के चलो बहुत सारा हो गया बात की कि तुमने किस तरह से तैयारी किया क्या क्या किया ये सारे टेक्निकल चीज़ फिलोसफिकल को तुम बताओ कि तुम्हारा जर्नी कैसा रहा दो साल का गेट का जर्नी मज़ा काफ़ी आया है लाइक जब मैं मैंने आपको बताया मैं शुरू से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ एवरेज भी नहीं बिलो एवरेज टाइप से मीन्स कोई अचीवमेंट्स नहीं थी बट so, उसके बाद मीन्स तब तक यह था कि हाँ मैं कुछ कर लूँगा लाइक सर्वाइवल के लिए अपने कोई छोटी मोटी जॉब उस टाइप से बट जो ये दो साल की जर्नी रही है एंड उसमें जो अचीवमेंट्स आई है इतने ऑर्ड्स भी थे अगेंस्ट उसके अगेंस्ट आके फिर लाइक like, गेट निकाले दो बार एक्सी फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी के एग्जाम्स काफ़ी अच्छे गए हैं दोनों सो so, ये सब होने के बाद जो अभी एक कॉन्फिडेंस आया है ना वो काफी मजेदार है लाइक like, अब मैं खुद के लिए सोचता हूँ एक अच्छा स्टूडेंट हूँ यार मतलब वो सब था बस टेंथ ट्वेल्थ में था जो भी तो वो काफी अच्छा लगा। लगता है कि मैं और and, भी कुछ कर सकता हूँ हाँ अभी मीन्स रुकना नहीं है अभी और आगे जाना है कुछ भी हो चाहे वो अभी देखेंगे किस में इंटरेस्ट आता है टाइम के साथ सो उसमें और जाना है अभी ओके okay, चलो अच्छी बात है मैक्सिमम चीज़ डिस्कस कर लिया ऋषि राज तुमने बोला था कि तुम्हें बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं मोस्ट लाइकली फेसबुक में भी मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं द मोमेंट यू क्रैक एन एग्जामिनेशन तो तुमने बोला कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ों को तो तुम्हें इसके अलावा कुछ और बोलना है यहाँ पे सर मैं जो मुझे पर्सनली लगता है गेट को क्रैक करने का गेट एग्जाम को क्रैक करने का उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा एक्चुअली सर जब स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा भटकते हैं लाइक मेटेरियल के पीछे भागते हैं इधर उधर का देख लिया या फिर कोचिंग के कोचिंग को इतना ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं उस टाइप का कि खुद एनालिसिस कर ही नहीं पाते कि हमें एग्जैक्टली exactly करना क्या है जो उनसे बोल दिया गया वो करते हैं पर्सनली मुझे लगता है गेट बहुत सिंपल एग्ज़ाम है मींस हवा बना हुआ है कि बहुत टफ है या ये मींस टफ है बट लाइक हर साल होता ही है ढाई सौ तीन सौ बच्चे रैंक लाते ही हैं अच्छी सो आप जितना चीज़ों को सिंपल रखने का ट्राई करें मींस एक स्टीव ऑफ सर का रूल था किस रूल कीप इट सिंपल स्टूप इट टाइप से सो जितना सिंपल रखने का ट्राई करें उतना रखें मीन्स प्रीवियस ईयर को सबसे पहले करें क्योंकि आप एनालिसिस करके देखोगे कि हर साल 75 से 80 मार्क्स वहीं से उठ के आ जा रहा है थोड़ा बहुत चेंज होके तो पहले 80 मार्क्स तो अपने कंफर्म करो ना मींस आप डायरेक्ट 95 का सोचोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी सो पहले 80 के लिए मेहनत करो प्रीवियस ईयर को एटलीस्ट तीन से चार बार लगाओ मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो एक बार लगाने के बाद उसको पैक करके रख देते हैं कि अब तो ये कुछ काम की नहीं है बट एक बार में आप उतना नहीं समझ सकते हो चीज़ों को एटलीस्ट तीन से चार बार उसको लगाओ उसके बाद एक्स्ट्रा के लिए आप कोई भी एक सिंपल सा क्वेश्चन बैंक ले लीजिए छोटा सा ये नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन और उनको जैसे कि ब्रूस ली सर ने कहा था कि एक किक को ही इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाए तो वो ही सब की आप प्रीवियस ईयर को बहुत बार लगाओ उसके बाद अपने टेस्ट सीरीज दो अच्छे से फिर उसका अच्छे से एनालिसिस करो मैं सिंपल रखो चीजों को hmm. ओके okay. देखो ऋषि मैं बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे लाना चाहता हूँ और स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं प्लीज़ ये चीज़ सुनो मुझे लगता है ऋषि तुम भी एग्री करोगे इससे कि हर मेथड हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता जैसे यहाँ पे बहुत डिफरेंट लोग आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जसपाल सर आए वो बोले कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन सॉल्व मत करो गौरव आया वो बोला कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए बहुत सारे तुम तुमने यहाँ पे बोला कि जैसे सिर्फ गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो मल्टीपल टाइम सॉल्व करो तो लोगों के प्रिपरेशन के तरीके अलग होते हैं और तुम्हारे लिए कोई एक फिट बैठेगा तो अल्टीमेटली तुम्हें खुद से वो खोजना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए परफेक्ट क्या बैठ रहा है जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है क्या बोलना चाहते हो इसमें बताओ हाँ सर एक्चुअली इस चीज़ से मैं काफ़ी एग्री करता हूँ जब कि हुँ. आप एक ऑलरेडी एक ग्रेजुएट हो मीन्स इंजीनियरिंग की हुई है जो कि एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है इंजीनियर होना अपने आप में आप एक इंजीनियर हो और आप अगर पी एस यू में जा रहे हो तो आप एक ऑफिसर बनने वाले हो आप गवर्नमेंट ए ग्रेड ऑफिसर हो या फिर आप के केसरों में जा रहे हो तो आप साइंटिस्ट हो और वहाँ पर आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आने लग रही है मीन्स मिलने वाली है आपको तो अगर आप हर छोटी चीज़ किसी से पूछोगे कि भैया इसमें मैं क्या पढूं भैया इसको मैं कहाँ से पढूं तो फिर आप मीन्स खुद के साथ बुरा कर रहे हो इस कंट्री के साथ बुरा कर रहे हो कि आगे चल के आपको सारे डिसीजंस खुद लेने हैं आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनने वाले हो तो प्रिपरेशन जर्नी भी आप ख़ुद के हिसाब से डिसाइड करो कि मेरे लिए ये सही है मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है मान लो कोई पूरी दुनिया एक्स इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सबके लिए सही है आप अपने हिसाब से देखो आपको करना भी है या नहीं करना है तो मीन्स अपने जो नेचर है जो एटीट्यूड है उसको ऑलरेडी एक ऑफिसर टाइप का रखो खुद के आइडियाज़ खुद लाओ खुद से बनाओ खुद से मेहनत करो उन सब पे एंड फाइनली रिजल्ट दो जिससे कि आप होते हैं ना कि बोलते हैं ऑफिसर्स प्रिपरेशन में बनते हैं ट्रेनिंग तो बस नॉर्मली होती है सो so, उस चीज़ को फॉलो करो हाँ करेक्ट चलो एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं नहीं तो उससे क्वेश्चन भी तुम जिस जनरेशन में तुमने एग्ज़ाम क्रैक किया है तो उस टाइम पे ऑनलाइन रिसोर्स की अबंडेंस थी ऑनलाइन गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा था तुमने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे जैसे मुझे पता है कि तुम मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करो तुम्हारा जो फ़ोन नंबर है उस उस पर नंबर लिखा हुआ है